जय जिनेन्द्र, आइए, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन रसोई में। जय जिनेन्द्र, आइए आज हम बनाते हैं नमकीन दलिया। तो देखिए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। हमें चाहिए एक कप हमारे घर की बनी हुई सूजी दलिया, जो थोड़ी सी मोटी होती है। सूजी बारीक होती है, ये थोड़ी सी उससे मोटी रहेगी। इसके लिए चाहिए हमें एक कप पर दो कप छना हुआ हमारा जल, गरम किया हुआ जल। तड़का लगाने के लिए चाहिए हमें एक चम्मच घी या तेल। हमें चाहिए थोड़े से मूंग की दाल, थोड़ी सी चाहिए हमें उड़द की दाल, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक जो हमारा मर्यादित कुटा हुआ है, थोड़े से तिल के दाने और थोड़ा सा खांड शक्कर का बूरा, और हमें चाहिए हरी मिर्ची। तो आइए हम इस दलिया को पानी के साथ बॉईल कर लेते हैं। देखिए, दलिया हमारी बॉईल हो गई है, ये अच्छी नरम हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी रखेंगे गरम करने के लिए। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले हमारी दाल डालेंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद उसमें हम डालेंगे सौंफ, जीरा और हरी मिर्च। अब बाकी सारे मसाले भी डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और हमारी खांड शक्कर का बूरा, गरम मसाला, सबको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे हमारी ये दलिया। देखिए, लीजिए, तैयार है हमारी दलिया फ्राई। इसके ऊपर हम थोड़े से इसको ड्राई फ्रूट से और थोड़ा सा नमकीन सेव वगैरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा नारियल किसा हुआ डाल देंगे और देखिए नींबू, अपनी स्वाद के अनुसार आप इसमें नींबू डाल सकेंगे। तो बहुत ही ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन जाता है। यदि हमारा सुबह हमने दलिया बनाई है और अगर बच गया है, तो हम उसको शाम को भी इस तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है इसमें और हेल्दी है, दलिया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो बहुत अच्छा नाश्ता है ये। जय जिनेन्द्र।